हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेमा के स्टोकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आज की कंडीशन की बात करें तो ऑफकोर्स इसमें काफी बड़ा जंप भी देखने को मिला, बट उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिला। सो गाइज, काफी जबरदस्त न्यूज अनाउंस हुई है, दो बड़ी न्यूज है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें 2714.30 रुपए इसका आज का हाई है। लो की बात करें 2638 रुपए इसका आज का लो। अगर बाउंड वीक हाई की बात करें तो करीब करीब जो कि बाउंड वीक हाई के आसपास अभी फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट में, तो बाउंड वीक हाई है 2728.85 रुपए इसका बाउंड वीक हाई है। लो की बात करें 1290 रुपए इसका बाउंड वीक लो। अगर मैक्सिमम की बात करें तो गाइस मैक्सिमम जो कि काफी ऊपर का तो नहीं है इसमें, जो कि बाउंड वीक हाई है वही इसका मैक्सिमम है, जो कि कल इसने नया बाउंड वीक हाई सेट किया था। ऑफकोर्स एक जबरदस्त जो कि इसमें उछाल देखने को मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात इसके एनालिसिस की तो काफी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। आज के वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो गाइस 19.25 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है मार्केट में एनएससी पे। एंड बीएससी की बात करें तो ऑफ कोर्स जो कि करीब करीब 2.25 लाख क्वांटिटी यहां पर वॉल्यूम जो कि एनएससी पे ट्रेड हुआ है, सॉरी बीएससी पे ट्रेड हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें शॉर्ट एनालिसिस की तो काफी सारी चीजें इसमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो स्ट्रेंथ से भरा हुआ, 6 स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स 6 स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेस है, 3 अपॉर्चुनिटीज है, 1 थ्रेट है। अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, जो कि ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट भी आ चुका है गाइस। कंपनी विद नो डेप्ट, जीरो डेप्ट कंपनी है, कोई उधार इसके ऊपर नहीं है। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, कोई जो कि शेयर इसने गिरवी नहीं रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, नियर 52 वीक हाई। ऑफकोर्स एक नया बाउंड वीक हाई भी सेट किया था कल ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी वीकनेस की तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट क्वार्टर में होल्डिंग इसमें डिक्रीज की है। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मेजर फॉल इन टीडीएम नेट प्रॉफिट। सो गाइस ये जो कि एक छोटी सी यहां पर वीकनेस भी नजर आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी अपॉर्चुनिटीज की तो जो ब्रोकर है इसका टारगेट इवन लास्ट 3 मंथ से जो कि अपग्रेड कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं इवन हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। अगर बात करें थ्रेट की तो एक थ्रेट भी है, स्टॉक विद हाई पी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके आज की तो गाइस यहां पर जो कि कल एक बड़ा जंप देखने को मिला, ऑफकोर्स यहां पर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग की गई हो, बट एक जबरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, करीब करीब 19.25 लाख क्वांटिटी जो कि अभी मार्केट बंद भी नहीं हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कल की बात करें तो एक बड़ा जंप जो कि 5% इसमें बड़ा जंप देखने को मिला था। एंड ऑफकोर्स कंडीशन काफी जबरदस्त है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके जो कि सेंटिमेंट की तो 7% बाय, 93% सेल एंड 0% होल्ड करने का सेंटिमेंट इसमें नजर आ रहा है। बट गाइज मैं तो ये बोलूंगा कि 1-2 शेयर अभी लेने शुरू कर देने चाहिए। ऑफकोर्स जो कि जो न्यूज देखेंगे तो उसको देख के आपको भी ऐसा ही लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इनसाइडर की बात करें तो यहाँ पर डिस्पोजल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ की जो कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक था इसमें वो ओएफएस के थ्रू जो कि कुछ टाइम पहले निकाल दिया गया था, जब इसकी वैल्यू करीब करीब 1300 रुपए के आसपास हुआ करती थी, तब उस टाइम पर ऑफकोर्स एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ओएफएस निकाल रहा है। तो गाइस जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उस वीडियो का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके फाइनेंशियल की तो गाइस फाइनेंशियल भी काफी बेटर है, काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। एंड ऑफकोर्स इसमें रेवेन्यू में थोड़ा सा डाउनफॉल इसमें जून क्वार्टर में देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर इसमें एक बड़ा जंप भी देखने को मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट ईयर ऑन ईयर बात करें तो गाइस जो कि जून 2020 में इसने जो कि 24 करोड़ का लो शो किया था जस्ट बिकॉज ऑफ जो कि पैंडेमिक, जिसकी रेल पूरा इफेक्ट हुआ था, पूरा बंद हो चुका था, जो कि अभी एट प्रेजेंट जो कंडीशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है। एंड ऑफकोर्स आगे भी अच्छा खासा यहाँ पर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की तो करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो गाइस यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 67.44% यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि 3 क्वार्टर से टोटली स्टेबल है, कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। एंड ऑफकोर्स यहां पर जो कि डाउनफॉल देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ की मैंने आपको बताया था कि ओएफएस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें जो कि स्टेक सेल किया था। एंड इसके अलावा अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो 13.26% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें 11.29% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें 8.07% यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की
होल्डिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें म्यूचुअल फंड जो कि ऑफकोर्स जो कि यहाँ पर होल्डिंग जो जून क्वार्टर में डिक्लाइन हुई है, फॉरिन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी होल्डिंग डिक्लाइन की गई है। एंड जो न्यूज की बात करें तो एक जबरदस्त जो कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसकी वजह से 52 वीक हाई जो कि कल टच किया था। तो गाइस एक शेयर के बदले यहां पर आपको जो कि स्टॉक स्प्लिट में 5 शेयर मिल रहे हैं। सो गाइस यहां पर जो कि ₹10 फेस वैल्यू को स्प्लिट करके ₹2 कर दिया गया है। सो गाइस यहां पर जो कि जिसके पास एक स्टॉक है उसको 5 स्टॉक मिलेंगे, 5 शेयर मिलेंगे, ऑफकोर्स एक के बदले 5। सो गाइस बाय वन गेट 5, सो एक बड़ा ऑफर जो कि IRCTC की तरफ से आया है जो कि स्प्लिट अनाउंस कर दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स इसका रिजल्ट भी इवन काफी इफेक्टिव रहा है। अगर रिजल्ट अगर देखें इसके प्रॉफिट के उससे तो ईयर ऑन ईयर एक बड़ा जंप ऑफकोर्स देखने को मिला, क्योंकि सेम क्वार्टर में जो लास्ट ईयर इसने एक बड़ा लो शो किया था। एंड अभी जो बात करें तो गाइज एक बड़ा जंप जो कि प्रॉफिट में इमिडिएटली आया है। एंड ऑफकोर्स ये न्यूज है, ये काफी हर जगह फ्लैश है। IRCTC अनाउंसेस स्टॉक स्प्लिट शेयर प्राइस सर्ज टू न्यू हाई। एंड ऑफकोर्स ये जबरदस्त अनाउंसमेंट जो कि IRCTC की तरफ से की गई है, IRCTC स्टॉक टू बी स्प्लिट एज फर्म लुक्स टू अट्रैक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स। सो गाइस ऑफकोर्स इसकी वैल्यू अभी काफी ऊपर है एंड जैसे ही इसको स्प्लिट किया जाएगा इसका प्राइस भी नीचे आ जाएगा स्टॉक वैल्यू से। सो ऑफकोर्स जो अभी सिचुएशन क्या है exactly इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या करना चाहिए, तो गाइज एक चीज आपको अभी जो लेटर है वो देखना पड़ेगा। तो गाइज ऑफकोर्स ये लेटर ऑलरेडी BSE और NSE को जा चुका है। इसमें जो कि लिखा हुआ है कि रिकमेंड किया गया है सब डिविजन जो कि फेस वैल्यू ₹10 से ₹2 कर दी गई है, जिसके पास एक शेयर है उसको 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे। एंड गाइस इसकी डेट क्या है एग्जैक्टली अब क्वेश्चन आता है इसकी डेट क्या है। तो गाइस यहाँ भी लंबा काफी लंबा है, तो इसको कंप्लीट होने टाइम लगेगा टाइम क्या लगेगा। तो गाइस मेरे डिक्सन वाली चाल अभी क्योंकि जा रही है, क्योंकि कुछ सिमिलर ही किया था, क्योंकि डिक्सन ने भी रिकमेंडेशन दिया था उसके बाद उसमें उसके प्रोसेस में काफी टाइम लगा एंड प्रोसेस में टाइम लगते लगते उसका शेयर प्राइस काफी ऊपर चला गया था, करीब करीब 20 चला गया के आसपास चला गया था। एंड ऑफ कोर्स गाइस जैसे ही उसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ करीब करीब वैल्यू है शेयर की वो करीब करीब उतनी उसने जो कि स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था करीब करीब उतनी ही वैल्यू में दोबारा से शेयर को लिस्ट किया, इट मींस कि उसको स्प्लिट करके दोबारा से जो कि शेयर होल्डर थे उनको दिया गया था। तो गाइस यहां पर भी सिचुएशन कुछ वैसी ही सिमिलर लग रही है। तो गाइस यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, सो गाइस यहां पर 3 महीने लेंगे। सो गाइस यहां पर पूरा जो ये प्रोसेस है कंप्लीट होने में 3 महीने लगेंगे। सो गाइस एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि स्प्लिट रेशियो होगा एक के बदले 5 मिलेंगे एंड रेशनलाइज बिहाइंड द स्प्लिट। सो गाइस यहां पर पूरा डिटेल इस वीडियो इस ऑफ कोर्स इस लेटर में लिखा हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है। सो गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी जो कि IRCTC की कितनी है। तो गाइस यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो कि इक्विटी है प्री स्प्लिट जो कि करीब करीब 25 करोड़ इक्विटी जो कि ₹10 फेस वैल्यू के हिसाब से यहां पर है, और जैसे ही ये स्प्लिट हो जाएगा उसके बाद 125 करोड़ इक्विटी हो जाएगी ₹2 के हिसाब से 250 करोड़ अमाउंटिंग। सो गाइस यहां पर टोटल जो कि अमाउंट है वो 250 करोड़ का होगा और यहां पर भी 250 करोड़ का होगा, सिर्फ इसकी इक्विटी जो नंबर ऑफ शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगी 125 करोड़ हो जाएगी। 25 करोड़ अभी एट प्रेजेंट जो कि स्प्लिट से पहले है, पेड अप जो कि है ऑफकोर्स पेड अप है 16 करोड़ एंड ऑफकोर्स जैसे ही फेस वैल्यू जो कि डिक्रीज होगी तो ये 80 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो गाइज ऐसे ही ये पूरा डेटा ऑफकोर्स इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके ये लेटर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।